हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फन विद वर्ड्स, जिसमें हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। यहाँ पर हमें पोस्टमैन के बारे में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आई एम ए पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? आई कैरी लेटर्स इन माई बैग। टूडे आई एम कैरिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो ये पोस्टमैन के बारे में यहाँ पर दी गई है जानकारी। अब हेल्प मी टू अरेंज दीज लेटर्स इन टू वर्ड। यहाँ पर कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के नाम दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग जंबल करके लिखी हुई है। तो आपको इनको सही सीक्वेंस में लिखकर सही एनिमल की स्पेलिंग लिखनी है या बर्ड की लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट वन है पीकॉक, जिसकी स्पेलिंग क्या होगी? PEACOCK। इसी तरह सेकंड है एलिफेंट, ELEPHANT। नेक्स्ट है वॉल्फ, WOLF। नेक्स्ट है टाइगर, TIGER। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों आपको यहाँ पर एक यू हैव अ मैजिक वैंड विद यू, आपके पास एक मैजिक बैंड है। इसको यूज करके आपको जो गिवन वर्ड है उसको दूसरे वर्ड में चेंज करना है और सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर चेंज करना है। जैसे बोट का क्या लिखा? गोट। बी सिर्फ फर्स्ट लेटर चेंज कर दिया तो जी, तो गोट बन गया। पेन का हम अगर फर्स्ट लेटर चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं? डेन लिख सकते हैं। बुक का करें तो कुक लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं बी की जगह पर। मैट का कैट लिख सकते हैं। फैन का पैन लिख सकते हैं। डे के बारे में भी हम मे लिख सकते हैं उसका फर्स्ट लेटर चेंज करके। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों आपको लेट अस बिगिन विद श, SH से कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनका आपको नाम लिखना है। जैसे वी बाय थिंग्स हेयर, कहाँ पर चीजें खरीदते हैं? शॉप पर। तो SHOP, शॉप। ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर फीमेल, फीमेल के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? शी, SHE, शी। दिस ट्रेवल्स ऑन द सी, शिप। वी फाइंड दिस ऑन बीच, बीच पर क्या मिलता है? शीप। दिस गिव्स अस वूल, शीप, SHEEP, शीप। तो इस तरह से आप हु एम आई, यहाँ पर कुछ रिडल्स हैं। आई हैव फोर लेग्स, आई हैव ए फ्लैट टॉप। You keep your books on me. Who am I? कौन हो सकता है? Table. I am a table. I am huge. I have a long trunk, big ears, green color. Who am I? I am an elephant. I can grow big and strong. I give you fruits and flowers. I have many branches. I give you shade. Who am I? I am a tree. इसी तरह I am an animal. I guard the house. I am your pet. Who am I? I am a dog. Thank you.